गोरखपुर जिले में मंगलवार को 163 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 15,440 हो गई है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दो बुजुर्ग पुरुषों को कोरोना से मौत हुई है। अब तक 248 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। 13,614 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,578 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर में 88 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें कैंट थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 33 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 13, शाहपुर थाना क्षेत्र में 23, रामगढ़ताल 7, कोतवाली 7, गुलहरिया 2, तिवारीपुर में 1, चिलवाताल में 1, राजघाट में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 56 नए मरीज मिले हैं। इसमें चरगावा में 10, सहजनवा में 2, कोराबार में 8, पिपराइच में 5, कौड़ीराम में 1, पाली में, कैंपियरगंज में 2, ब्रह्मपुर में 1, उरवा में 4, कौड़ीराम में 1, जंगल कौड़िया में 1, पिपरौली में 1, बरहलगंज में 6, गगहा में 12, खजनी में 1, चरगावा में 10 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 19 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।